हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वैसे मैं भी ठीक हूँ एंड प्लीज़ इग्नोर माय आईज, एक्चुअली आई एम हैविंग स्टाइ। इसको हम लोग पानी में आनो कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। सो मेरे को ये हो गया है, देखिए। एनीवेज गाइस, आज मैं कुछ नया फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मेरे घर पे। मैं अर्बन क्लब को घर में बुला रही हूँ और वो अभी आते ही होंगी। 10 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। वैसे मेरे को टाइम नहीं हो रहा है बाहर जाने का, बिकॉज मतलब सैलून जाने का, मतलब घर ऑफिस का काम ये सब करते हुए। सो आई हैव बुकड एन अर्बन क्लब। बहुत दिन हो गया मैंने कुछ नहीं किया है। आफ्टर हेस्ट्रिंग आई डोंट गो पार्लर यूजली। जो मुझे जानते हैं उनको ज़रूर पता है कि मैं पार्लर वैसे चाहती नहीं हूँ। मैं शायद इवन दो मतलब यू वोंट बिलीव गाइस, मैं आईब्रोज भी करने नहीं जाती हूँ, बिकॉज मेरा हेयर ग्रोथ आईब्रोज का बहुत ही ये है, लेट होता है। तो सिर्फ मैं लास्ट गई थी हेयर्स के लिए। अभी मैं अपना पेडिक्योर और ये करवाना चाहती हूँ। फेशियल तो नहीं, क्लीन अप करेंगे, बिकॉज बहुत दिन हो गया मैंने फेशियल भी नहीं किया। शायद हाँ, एक ही बार शादी से पहले फेशियल किया था मैंने, और उसके बाद मैंने फेशियल नहीं किया है। सो आई थिंक आई नीड क्लीन अप। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वो कैसा होता है मैं आपको दिखाते रहूँगी। हैज जस्ट अराइव, अभी आए हैं। आपको डर तो नहीं लगता होगा ना? ओके, बैठ ले। पैर का भी करना है ना, सो दिस रूम विल बी फाइन। चेयर है चेयर, हाँ बेड पे करने का, हाँ बेड भी है, ठीक है। चुप कर बॉय, चुप। सो ये अपना पूरा सामान लेके आते हैं, खराब ही लगता है बदन। आपका नाम क्या है? बहुत सारे चीज बोले थे ना, बैग बनाने वाला फेशियल बुकिंग से है। पहले मैं क्लींजिंग करूँगी, उसके बाद जो स्क्रब होता है वो मास्क टाइप का, उसको लगा के रखूँगी कुछ देर तक, उसके ऊपर स्टीम देंगे, फिर फ्लैट स्टीम करने के बाद वो निकल के स्क्रब, फिर टोनिंग होगा। टोनिंग के बाद क्रीम से मसाज करेंगे, मसाज के बाद फिर मास्क, ठीक है।
इससे पहले मसाज हुआ था वो मैं नहीं ले पाई, बिकॉज अगर मैं वो लेती तो मैं रिलैक्स नहीं कर पाती। ये मसाज है, मैंने सुबह के अभी मैंने ये स्किन करवाया, थोड़ा ग्लो आ रहा है राइट। सो अब मैं अभी पेडिक्योर करवाऊंगी। समटाइम्स रियली वी नीड रिलैक्सेशन, बहुत थक जाते हैं, बहुत आराम लगा। मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाई बिकॉज़ मैं दिखाती तो मैं रिलैक्स नहीं कर पाती। और अभी मैं पेडिक्योर कर रही हूँ। मेरे को बहुत अजीब लगता है पेडिक्योर करने, अभी रखो पैर ना, नहीं ऊपर रखो। ये कौन सा वाला पेडिक्योर है? रोज रोज पेडिक्योर रोज। नहीं नील तो छोटा ही है ना। हाँ आपने जो पहले सॉल्ट जो है ना वो पानी में डालूंगी, ठीक है, और जो क्रीम है वो क्रीम से नाखून में लगा के और क्यूटिकल सॉफ्ट करने के लिए फिर पैर आपको पानी में डुबाऊंगी। उसके बाद क्रीम एक जो शुगर गार्नियर है और एक जेल है उसको मिला के स्क्रबिंग करूंगी। स्क्रबिंग करने के बाद फेस वॉश से वाटर से रिमूव करके फिर वो फेविस्टिक से बेसिल निकालूंगी, ठीक है। उसके बाद क्रीम से मसाज होगी, फिर मास्क। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सॉल्ट है ना, जगह बहुत कंजेस्टेड है, टेबल हटा देना चाहिए था ना। यही होता है ना थोड़ा, बट देन फिर भी ये वाला क्या था? सॉल्ट नहीं, शुगर। शुगर और ये जेल वाला जो गाना है इसमें मिला के स्क्रब होता है। अच्छा, ये कितना पाप लगे, खुट्टा चुराती है। आफ्टर लाग्छ क्या मलाई तर के गर्नु, नगरे पनि लास्ट है। दीदी पैक कर रहे हैं सारा सामान। वैसे खाली आने और जाने में तकलीफ होता है ना, भारी हो जाता है। ये सब इनका सामान सब लेके आते हैं, ऐसे का सामान इवन दो मेस भी नहीं होता, वो क्लीन भी मतलब पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में होता है। दो एक्सटेंशन भी लेके आते हैं।
जिन्होंने मेरा आज फेशियल करवाया और पेडिक्योर कराया, थैंक यू सो मच दीदी, अवन कंपनी से है ये, और थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सर्विस।